हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों, हिमेटोस्पर्मिया के बारे में जानेंगे कि भाई वीर्य में खून आ जाता है। जिन लोगों के साथ ये समस्या होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो अपन समझेंगे भाई ये होता क्यों है, क्या कारण होता है और इसका इलाज कैसे किया जाए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। और उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानी और द मेडिकल चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियोस के लिए। और हमारे दूसरे चैनल असरदार आयुर्वेद और ज्ञानी और ब्लॉग्स को भी ज़रूर से चेक करें और उन्हें भी सपोर्ट करें। दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि भाई हिमेटोस्पर्मिया मतलब कि वीर्य में खून का आ जाना। तो पहले समझेंगे भाई कि आपका वीर्य कैसे बनता है। अधिकतर 99% लोग यही सोचते हैं जो मेडिकल फील्ड से नहीं है कि भाई टेस्टिस जो होते हैं आपके टेस्टिकल ग्लैंड्स, उनमें आपका वीर्य बनता है। लेकिन ये पूरी बात सच नहीं है। टेस्टिकल ग्लैंड्स में आपका सिर्फ और सिर्फ आपका स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है, ठीक। और जो शुक्राणु के साथ जो चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे बोल सकते हैं सेमिनल फ्लूड्स, मतलब कि जो ज़रूरी है आपके स्पर्म को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए, आपके स्पर्म आपके शुक्राणु को एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि आपका शुक्राणु प्रॉपर मूव कर सके। तो उसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है, जो फ्लूड होता है वो अलग जगह बनता है। तो आपका लगभग सेमिनल फ्लूड होता है, जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है उसमें से आपका 40% फ्लूड आता है। दूसरा आपका प्रोस्टेटिक ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, उससे प्रोस्टेटिक फ्लूड निकलता है जो कि 40% होता है, और 20% आपका स्पर्म उसमें मिल जाता है। तो इस तरह से ये वीर्य बनता है। अगर आपको ब्लीडिंग की समस्या हो रही है कि भाई वीर्य में खून दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है, तो हो सकता है आपका सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसमें से ब्लड आ सकता है। आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें से ब्लड आ सकता है, एपिडिडाइमस होती है वहाँ से भी ब्लड आ सकता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, यहाँ से ब्लड आ सकता है। तो तीनों को ही चेक करना पड़ता है कि भाई ब्लड कहाँ से आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस में से ब्लड नहीं आता है। और ये जो ब्लड आता है दोस्तों, लगभग फ्रेश ब्लड होता है, सब पुराना ब्लड नहीं होता है। अगर वो पुराना ब्लड ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत भद्दा ब्लड आ रहा है, तो कह सकते हैं कि भाई बहुत दिन बाद इकट्ठा जमा था तो वो एकदम से निकल आया। लेकिन अधिकतर देखा गया है फ्रेश ब्लड निकलता है, और ये फ्रेश ब्लड आपको अधिकतर सेमिनल वेसिकल्स जो होती है ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड में जब इन्फेक्शन वगैरह होता है तब वहाँ से ब्लीडिंग जब होती है तो वही होता है। और ये समस्या दोस्तों लगभग 40 साल से ऊपर के लोगों में देखी जाती है, 40 साल से ऊपर के लोगों में देखी जाती है। बात करें कि भाई इसका कारण क्या होता है, भाई ये होती ही क्यों है, चाहे वो सेमिनल वेसिकल हो, चाहे आपका एपिडर्मिस हो या टेस्टिस हो या आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो, इनमें ये इन्फेक्शन वगैरह होते ही क्यों, इनका कारण होता है दोस्तों। कारण ये होता है भाई आपको एसटीडी की समस्या हो गई है, आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करते हैं, मल्टीपल मतलब आपके कई सारे के पार्टनर हैं, आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, तो आपको कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि गोनोरिया हो गया, क्लैमाइडियल इन्फेक्शन हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। जब ये समस्या डेवलप होती है तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है, और जब ये इन्फेक्शन होता है तो आपको इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। तो टोटल कारण क्या है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, जब ये होंगे तब आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब आती बात की, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर ब्लड का स्पॉट दिखता है तो आपको उसमें घबराना नहीं है, आपको उसकी चिंता नहीं करना है। लेकिन अगर कंटिन्यूस ब्लड आ रहा है तो आपको ज़रूर से चिंता करना है, और ये डेंजर कंडीशन होती है। कई लोग सोचते हैं कि भाई ये कैंसर तो नहीं है, तो ये समझ लो कि बहुत 99.9% एक चांस ऐसा होता है जिसमें आपको कैंसर हो सकता है, मतलब कि 1,00,000 में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको कैंसर दिखेगा, बाकी कैंसर नहीं होता है, ठीक है। और बात करें कि भाई इसमें होता क्या है, तो देखो सूजन आ जाएगी और इन्फेक्शन होगा, तो ये आपको ब्लीडिंग की समस्या होएगी। यूरिन की जांच की जाएगी और आपके वीर्य की जांच की जाएगी, ठीक। पैथोलॉजिकल जांच होती है, इसमें भी क्लियर नहीं होता है तो ट्रांसरेक्टल एक USG होती है वो की जाती है, मतलब कि सोनोग्राफी की जाती है, वहाँ से आपके सेमिनल वेसिकल्स और जो एपिडिडाइमस है और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, इनकी पोजिशन को देखा जाता है, इनकी सिचुएशन को देखा जाता है। MRI भी की जा सकती है, इससे पता चल जाता है कि वह ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। तो ये होता है दोस्तों ब्लीडिंग होने का कारण। बात आती है कि भाई क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या देना है। देखो यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको क्या देना पड़ेगा, और किसी भी वीडियो में किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, तो ही आप इस वीडियो को आगे देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, आगे आम आदमी के लिए वीडियो नहीं रहेगा। और इसमें ट्रीटमेंट जस्ट सिम्टोमेटिक चलेगा, सिम्टोमेटिक इन द सेंस कि आपको जो सिम्टम्स दिखेंगे उनके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना है। भाई ब्लीडिंग हो रही है तो आप व्यक्ति को ट्रनॉक्सिमिक एसिड की टैबलेट दे सकते हैं।
जो कि हीमोस्टेटिक एजेंट होता है, तो आपको ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करता है। टेनाक्सिमिक एसिड 500 की टैबलेट चला सकते हैं दिन में 3 बार, ठीक है, आदमी हो औरत हो, आदमी कोई होगी ये समस्या जाहिर सी बात है, तो टेनाक्सिमिक एसिड की टैबलेट 3 बार दे सकते हैं 500-500 मिलीग्राम की, तो इससे आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। आपको एंटीबायोटिक्स चलाना पड़ेंगे, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जैसे कि आप चला सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन बेस्ट होता है 500 मिलीग्राम सुबह शाम चला सकते हैं, ठीक, खाना खाने के बाद दे सकते हैं, खाना खाने के पहले भी दे सकते हैं, तो एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं या सेफेक्सिम दे सकते हैं। और ज़्यादा समस्या लग रही तो आप सेफ्ट्रिएक्सोन का इंजेक्शन मोनोसेफ वगैरह भी लगा सकते हैं, इससे इन्फेक्शन कवर हो ही जाता है। कुछ मात्रा में आपको स्टेरॉयड भी देना पड़ेंगे, प्रेडनिसोलोन के टैबलेट अभी आता है और इंजेक्शन भी आता है, तो प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन ये चलाना पड़ेगा सुबह शाम, या इंजेक्शन के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में। कोशिश करें आप इंजेक्शन के फॉर्म में ना लगाएं, टैबलेट ऐड करें ट्रीटमेंट के अंदर, तो उसका जो है इन्फेक्शन के साथ जो स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन आ रही है, वो कम हो जाएगी। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में दोस्तों पैरासिटामोल या एसिक्लोफेनिक भी दिया जा सकता है ताकि दर्द सूजन कम हो सके, ठीक है। तो यही इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है दोस्तों। बात करेंगे क्या सावधानियाँ रखना है, सावधानी यही रखना है कि आपको तला भुना मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं खाना है और सेक्स से बचना है, अवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटी, इस दौरान आपको अपने पार्टनर के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन फैल सकता है। आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि भाई हीमेटोस्पर्मिया क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा सपोर्ट करें, लाइक करें यार, 40% लोग सब्सक्राइब करके रखा है सिर्फ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं वीडियो को। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।